फॉक्सकन टाइगुन की सेल्स फिगर में अगर किसी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है 1 लीटर इंजन वाली डायनेमिक लाइन वेरिएंट की, और सबसे ज़्यादा इश्यूज जो रिपोर्ट होती है वो भी इसी वेरिएंट में ही होती है। तो आज इस वीडियो में हम 1 लीटर इंजन वाली फॉक्सकन टाइगुन हाईलाइन की ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं मिस्टर शिवम की, जो ओन करते हैं फॉक्सकन टाइगुन 1.0 हाईलाइन वेरिएंट। वेलकम मिस्टर शिवम। थैंक यू। अच्छा, आप जो ये फॉक्सकन टाइगुन हाईलाइन वाला वेरिएंट ओन करते हैं, हाँ जी, आपको कितने दिन हो गए ये? ऑलमोस्ट मैंने 26 नवंबर लास्ट ईयर लिया था, तो मतलब लगभग एक साल हो जाएगा, विद इन 2 मंथ्स में एक साल कंप्लीट हो जाएगा। और कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिए? 26,000। मतलब एक साल नहीं हुआ, अगर 26,000 फिर तो बहुत काफ़ी है। पर मंथ लगभग 2,200 किलोमीटर चलती है। फिर तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। हाँ जी। तो आपकी, आप जब ये परचेज किए उस टाइम और क्या क्या कार्स आपने देखे थे? नहीं, इस कार से लॉन्च होने से जस्ट एक मंथ पहले, सितंबर में लास्ट ईयर शायद ये फोर्ड बंद हुई थी, तो ये आई भी नहीं थी उस टाइम पे। मेरा मन एक बार इको स्पोर्ट को लेके हुआ था, फिर आफ्टर दैट वो इनफैक्ट मेरा सारा कुछ फाइनल था कि इको स्पोर्ट ले लेता हूँ, फिर बाद में फोर्ड ही बंद हो गई, तो लकीली मैं बच गया उस चीज़ को लेके। फिर सेकंड, फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, तो पता चला कि स्कोडा और ये VW नया अपना लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है अभी फिर और वेट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पोलो ओन कर रहा हूँ और आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दैट कार। अच्छा, आपका ऑलरेडी पहले से पोलो है? पोलो मेरे पास है और ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स उसको हो चुके हैं कंप्लीट, और वो भी ऑलमोस्ट 1,25,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, इको स्पोर्ट के अलावा और कोई? हाँ, इको स्पोर्ट्स के अलावा XUV 300 में देख के आया था, क्रेटा सेल्टोस मेरे को पहले ही मेरे प्रेफरेंस में नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज हुंडई और वो पता था, वो सेफ्टी और इश्यूज है उसके साथ। और उसके अलावा फिर मैं टाटा देख के आया, हैरियर मैंने कंसिडर की थी। फिर एक्चुअली उन कार्स में यही है, मतलब एक तो बहुत ज़्यादा बल्की है, तो मेरा थोड़ा सा हैरियर वगैरह को लेके मन थोड़ा सा कम हुआ। और अपार्ट फ्रॉम दैट फिर XUV 300 का मैंने जब बूट स्पीड्स वगैरह चेक किया तो वो उसमें इश्यूज थोड़े से लगे, नहीं तो वो कार भी बहुत अच्छी थी। उसमें अगर मेरे को ऑटोमेटिक लेनी थी तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो AMT ड्रिवन है, तो वो मेरे को थोड़ा सा था कि AMT में लैग्स वगैरह के इशूज़ ज़्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन टू AT, क्योंकि देखा था मैंने कुछ। अच्छा, आपने जैसे बोले हैरियर भी आपने देखे थे, हैरियर हो गया डीजल, आपकी रनिंग भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। तो आपने डीजल ना लेके पेट्रोल क्यों चूज़ किए? वो एक रीज़न ये था कि NCR में रहना, एक तो 10 साल वाली जो क्लॉज जो था एक। अच्छा। वो भी था, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक दिमाग में था कि रिलायबिलिटी को लेके, और वो डीजल का एक मन थोड़ा सा नहीं था करके। बाकी आप फॉक्सवैगन जैसे पोलो पहले ओन करते थे, बाकी कार्स ड्राइव करने के बाद आपको कुछ लगा कि नहीं हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम इंजन एंड गियरबॉक्स? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं जब मैंने बहुत सारी कार्स ड्राइव करी, वैसे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पास ब्रेजा वगैरह है, एक दो फ्रेंड्स हैं उनके पास स्केटा वगैरह है, तो जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसका उन कार्स को, एक सोनेट भी मैंने ड्राइव करी, तो मुझे कभी वो फील नहीं आता था जैसे मैं अपनी पोलो चलाता हूँ, तो जब मेरा स्टीयरिंग पकड़ता हूँ तो एक मेरे को फील आता है, एक मेरे को जब ड्राइव कर रहा हूँ तो कैसे उसमें हल्का सा टिल्ट भी कर रहा हूँ मैं अपने स्टीयरिंग को, तो अपने कंट्रोल में ही है। बट इन अदर कार्स में मैं देखता हूँ आप हल्का सा, मतलब इतना ऐसे भी घुमा दोगे ना, वो कार्स वैसी की वैसी चलती रहेंगी, उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था मेरे को, तो एक फील फैक्टर नहीं था उन कार्स में। प्लस फिर उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे थोड़ा सा पैनल गैप्स की मैं बात करता हूँ, इन कार्स में थोड़ा गैप्स वगैरह उस कार में बहुत, महिंद्रा में भी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट XUV 700 में भी पैनल गैप्स है, वो अनइवन है। तो और उसके अलावा अगर फिर दिमाग में था कि मैं ऑलरेडी जब VW के साथ हूँ, सारी जो सर्विस सेंटर में अगर आपकी जान पहचान है, कमन ही रहेगा तो कि सर्विस सेंटर इजी रहता है। हाँ, तो मेंटेन करना कार्स को भी, और वो सब लोग जानते भी हैं पिछले काफ़ी टाइमों से, तो था कि चलो यार उन्हीं के साथ जाते हैं। इसी वजह से मैंने कुशाक भी नहीं लिया इनफैक्ट, क्योंकि VW में ऑलरेडी सब कुछ था, टेक्नोलॉजी और वो सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद सेफ्टी एक बहुत बड़ा पैरामीटर था, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइविंग काफ़ी होती है, हाईवे पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ मैं रोड्स पे, तो उस वजह से ये दिमाग में था कि गाड़ी जो लोग सेफ्टी को लेके उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंड VW एक पोलो की जो VW की एक हिस्ट्री ओवरऑल रही है, फिर पोलो जब मुझे ध्यान है 2013 में कुछ पहली बार इनका क्रैश टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे 0 सेफ्टी मिली थी, उसके बाद तुरंत इन्होंने 2 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस किए थे,
तो सेम चीज़ मुझे दिमाग में था कि ये सेफ्टी को लेके कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो इस वजह से एक था कि भाई VW को ही कंसिडर करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसकी पेंट क्वालिटी है, और पेंट क्वालिटी के अलावा मैं एक दिन, मेरा एक फ्रेंड है हुंडई एक्सेंट है, तो मैं उसका रूफ़ देख रहा था, उसके रूफ़ में जॉइंट्स थे, अगर आप ये देखेंगे हाँ, तो सिंगल जॉइंट है इसमें, उनके में रूफ में जॉइंट्स थे, तो मुझे ये लगा कि यार यही सब चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, हमारा पोलो से इधर शिफ्ट करने में। उस जैसे ही उसका हल्का सा टेप उठा के देखा, वहाँ रस्टिंग भी हो रखी थी। अच्छा, तो आपने ऑटोमेटिक क्यों चूज किए? जस यही रीज़न था, 26,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, तो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, तो ये एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखते हुए कि 5-6 ईयर्स कार अगर मेंटेन करनी है मेरे को, तो भाई अब ठीक है, कंफर्ट भी ज़रूरी है करके। और 1.5 के लिए कुछ आप सोचे थे क्या? हाँ, मैं 1.5 देख के आया था, फिर वही था एक्चुअली, रनिंग ज़्यादा है तो एक एवरेज कंसर्न था दिमाग में कि उसमें हो सकता है मेरे को एवरेज थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा माइलेज कम मिलेगा। और मेरा मेजर एक था कि मेरे को VW के साथ भी रहना है, और अपना पेट्रोल वाला भी पार्ट एक कंसिडरेशन था मेरा, एवरेज और माइलेज को लेकर। इनफैक्ट इन्होंने 80 को भी बहुत अच्छे से, मतलब इट्स नॉट बिकॉज मैंने ली है 80, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, VW के जर्मन इंजीनियर्स के लिए ही बोला जाता है कि भाई ये 80 को भी उतना अच्छा कन्फिगर कर देते हैं कि आपको वो लैग और वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो नॉर्मल अदर कंपनीज में DCT और वो उसमें मिल जाती है, कि एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि माइलेज थोड़ा आपका कंसर्न था क्योंकि आपकी काफ़ी रन रहेगी, ठीक है ना, तो आपको सिटी और हाईवे में कितनी माइलेज मिलती है? मैंने एक्चुअली सिटी में मैं 13 तक ले लेता हूँ, 13-14 तक आती है मेरे को बहुत आराम से, और जब मैं हाईवेज पे जाता हूँ तो मैंने तो 21 तक लिया हुआ है। क्रूज़ पे वो 21 भी आराम से। कितना स्पीड क्रूज पे? 75-80, नहीं तो 100 पे रखता हूँ जब सेट करता हूँ, तो फिर तो वहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो जाती है। इसका मतलब कि परफॉर्मेंस के साथ भी आपको माइलेज भी मिल जाती है। हाँ, माइलेज को लेके उतना ज्यादा था माइंड में, पर पोलो से आने के बाद पता था कि वो बाकी कंपनीज के, क्योंकि मैं देखा हूँ जितने पोलो ओनर है वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है टाइगुन, उसके बाद अगर और कुछ देखते हैं तो अलग बात है, मैच ही नहीं करेगा ऑप्शन नहीं। अच्छा, आपने एक्सटेंडेड वारंटी और जो सर्विस वैल्यू पैकेज वो ऑप्ट किए थे? नहीं, एक्चुअली एक्सटेंडेड वारंटी तो अभी 4 साल की कवर्ड है, तो ये जब लैप्स होने वाली होगी उसके 1-2 साल पहले ले लूँगा। और सर्विस वैल्यू पैकेज ना लेने का रीज़न ये था कि फर्स्ट सर्विस में लेबर कॉस्ट फ्री होती है, तो वो मुझे पता था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि भाई जब वो बेनिफिट लेते हैं, सेकेंड वाली जो सर्विस होगी वो विद इन 1 ईयर हम खरीद सकते हैं, तो सेकंड सर्विस जब अप्रोच करने वाली होगी उसके पहले मैं वो पैक ले लूँगा, तो मेरी सेकंड से लेके फ्यूचर की सर्विसेज कवर्ड हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे मुझे लगा कि जब कार परचेज करेंगे उसी टाइम ही आपको लेना पड़ेगा, मतलब आप फर्स्ट सर्विस को स्किप करके सेकंड से भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बट विद इन 1 ईयर होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपकी जो सर्विसिंग हुई, आपने जैसे नहीं लिए थे सर्विस वैल्यू पैकेज, तो आपकी कितने लेबर तो फ्री थी, कंज्यूमेबल आइटम जो हो गया इंजन ऑयल वगैरह, आपका कितना लगभग कॉस्ट? 6,000 के अप्रोक्स आई थी। अच्छा, टाइम हो गया थोड़ा सा, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स वही 6,000 के आसपास आई थी, प्लस मैंने फिर उसमें कुछ चेंजेस भी कराए थे, हॉर्न वगैरह भी चेंज किया था। अच्छा, हॉर्न भी चेंज कराए थे अपने? हॉर्न तो बहुत ही खराब था इसका, तो उसको मैंने चेंज करवाया, तो उसका एडिशनल मैंने पे किया था। आपने काफी हाईवे ड्राइव किए होंगे? जी बिल्कुल, इसमें भी किए होंगे आपने, पोलो में भी किए होंगे। हाँ जी, तो आपको कुछ डिफरेंस फील होता है ये पहले तो बताइए, इसमें इसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है, और पोलो और इसमें डिफरेंस कुछ फील होता है क्या? मतलब जैसे सब बोलते हैं ना, हल्का कर दिए, कॉस्ट कटिंग कर दिए, तो वो उसमें उसका इफेक्ट हाईवे ड्राइव में आपको फील हुआ है क्या? नहीं, मैं इनफैक्ट कहूँगा कि मेरी राइड क्वालिटी बेटर हुई है, क्योंकि एक्चुअली वो था 1.2, बट वो MPI इंजन था, ये तो ये TSI है, तो ऑब्वियसली इसमें मेरे को बेटर ही मिला है। हाँ, जैसे कि मैं बात करूँ कि लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग वगैरह, तो कॉस्ट कटिंग है नो डाउट, पैरामीटर्स वो ड्राइविंग क्वालिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी है VW ने, बिल्कुल। हाँ, और अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, तो वो आपको पता ही है, हॉर्न क्वालिटी है, पीछे वाला वाइजर है, पूछे रूफ लाइनर्स है, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें रूफ लाइनिंग वगैरह पोलो की फार फार बेटर है। हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने कर दिए हैं बेटर, लेकिन आप जब लिए थे मेरे वाले लिया था, तो अभी नहीं था, काफी तो ये थोड़े से हैं कॉस्ट कटिंग वाले पैरामीटर्स हैं। 1.0 लीटर वाले इंजन में ज़्यादा लोगों का कंप्लेन आता है दो चीज़ का, एक हो गया AC, हाँ जी, दूसरा हो गया शायद AC हो सकता है मैनुअल में आती होगी, लेकिन जो ब्रेकिंग नॉइज़ बोलते हैं वो ऑटोमेटिक वाले वर्जन में ज़्यादा कंप्लेन आती है।
उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, आई डोंट नो अबाउट अदर यूजर्स, तो मुझे ब्रेक इश्यूज का ऐसा रहा है कि मैं पोलो में भी सेम नॉइज था। अच्छा। अभी भी है वो, तो ये आई थिंक ये VW के जीन्स में ही है, मतलब अच्छा। मैं क्योंकि एक कार और है हमारे रिलेटिव्स में उनकी वेंटो है, तो मैं उनके में भी ऐसे नॉइजेस देखता हूँ, तो ये इनके है जेनेटिकली, ये रहता ही है ये नॉइज, ये कोई जो लोग हो सकता है अदर कार से VW अच्छा, मतलब ऑपरेशनली उसको वो उनको लगता होगा, बट हमें अच्छा। वो नहीं लगा कभी भी, वो ब्रेक नॉइज रहता ही रहता है VW। अच्छा। हो सकता है जो यूजर्स अदर कंपनी से इसमें शिफ्ट हुए उनको ज्यादा पता चल रहा है। बिल्कुल। तो नहीं, जो लोग कंप्लेन करते हैं वो भी मुझे लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना पार्किंग से, वो कुछ देर तक रहता है, उसके बाद जब थोड़ा डिस्टेंस ड्राइव कर लेते हैं वो नहीं रहता। ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि आपको वो इशू ना मिले। एसी का कुछ नहीं, एसी का कभी नहीं, नहीं रहा। मुझे लग रहा है एसी का मैनुअल में हो सकता है वो इशू। यस, वो मैनुअल में है वो। पोलो से टाइगन में शिफ्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीज अच्छी लगी? पोलो से जब मैं इधर शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले तो जो इस कार की एक स्टेबिलिटी, मतलब उसकी भी अच्छी थी नो डाउट। इस कार में शिफ्ट हुआ जैसे बॉडी रोल वगैरह के इश्यूज जो जनरली एक एसयूवी और इन कार्स में रहते हैं, तो वो सब कभी मेरे को इसमें देखने को नहीं मिले। पोलो से मैं इसको ना कंपेयर करके, क्योंकि पोलो एक हैचबैक थी, मैं बाकियों के साथ कंपेयर करूँ तो कार में मुझे फिर भी बहुत चीज़ें बेटर मिली। मैं जब इस कार को परचेज किया तो मेरे को एक जो बेनिफिट्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल की एक तो हाईवे ड्राइविंग थी, तो दिमाग में सेफ्टी को लेकर कंसर्न था कि भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम ड्राइव मेरी रहती है, तो वो मुझे पता था कि VW इसकी सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, बट इसका जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ग्लोबली ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है और चीज़ें VW को लेके आदमी सुकून में रहता है करके, तो ये पता है कि ये 4-5 स्टार के आसपास ही रेट आएगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक दिमाग में था कि काइगर वगैरह है, छोटे मोटे प्लास्टिक। हाँ नहीं, मैंने काइगर वगैरह देख के आया। हाँ। मैं काइगर वगैरह थी, ब्रेजा है, ये 4 स्टार रेट कर चुकी है, बट अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी फिल्म ही है। इनफैक्ट मैंने अभी एक दिन ट्राइबर देख रहा था, उसकी नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर मैं देख रहा हूँ बॉडी रस्ट हो चुकी है, मतलब ट्राइबर अभी कितनी पुरानी गाड़ी भी नहीं होगी, तो वो रस्टिंग वगैरह देख रहा था, तो मुझे लगा यार क्या इतनी जल्दी गाड़ियों में रस्टिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो ये सब चीज़ों को देख के ना था कि भाई अब VW में ही जाते हैं, ये इश्यूज नहीं आएंगे। मेरी पोलो इतनी पुरानी हो गई, 1% भी रस्टिंग नहीं है, जबकि बोलते हैं नोएडा का पानी खराब है, ये है वो है, बट फिर भी रस्टिंग अभी तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखने को मिला मेरे को। तो यही सब पैरामीटर्स है जो एक डिसाइड करने में मेरे को। और आपको मतलब ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई, जैसे आपने बताया एसी और ये तो आपको फेस नहीं हुई है? हाँ, एसी ब्रेक इश्यूज नहीं हुए। आपको स्क्वीकिंग नॉइज जो आ रही थी डोर पे वो आपको फील हुई है क्या? हाँ, मेरे को स्क्वीकी नॉइस का इश्यूज था। इनफैक्ट मैं ही सर्विस सेंटर में नोएडा वाले में पहला पर्सन था रिपोर्ट करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल गई थी मेरी, और तो उन्होंने पहले वही एक AWD वो क्या है उसको स्प्रे वगैरह किया था। हाँ, पहले उससे वो रेक्टिफाई बस 10 दिन के लिए हुआ, फिर वो इश्यूज स्टार्ट हो गए, तो फिर टेपिंग वाला इन्होंने फिर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आपका हो गया था फिक्स? फिर मेरा टेपिंग करने के बाद अभी आज तक टचवुड नहीं आया। इसका मतलब कुछ लोगों का आ रहा है, मतलब कम तो हुआ है लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा थोड़ा है अभी, और कुछ लोगों का मैं अभी टचवुड मेरा अभी तक वो रेक्टिफाई हो गया तो अभी नहीं आया दोबारा। अच्छा, हॉर्न को छोड़ के बाकी क्या क्या चीज़ें जो कि आपको मतलब जैसे पोलो से इधर स्विच होने के बाद आपको फील हुआ कि ये चीज़ मिसिंग है? मुझे लग रहा है वो डोर का जो ग्लास अप एंड डाउन ऑटो रोल वाली। हाँ, ऑटो रोल डाउन था, वो की से भी उसको कर सकते थे सेम चीज़, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब क्या है कि अगर आपकी वेंटिलेटर सीट्स नहीं है इसमें नहीं है तो वो फीचर बहुत हेल्प आउट में नहीं है वो फीचर। उसके बाद बाकी ऐसा तो फीचर्स के मामले में नो डाउट पोलो से ज़्यादा ही है इसमें। पोलो के कंपैरिजन में जो एक इस कार की सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, जो लेग स्पेस का एक उस कार में बहुत बड़ा इशू था, तो मी और मेरी फैमिली जब भी हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे तो ये कंस्ट्रेंट रहता था, उसमें बूट स्पेस भी कम था, तो ये सारी चीज़ें इसमें वजह से वो भी एक फैक्टर है। हाँ, सही बात, कार में मीट आउट हो गए वो हमारी नीड्स। जो मेजर जो मेरे को इशू एक देखने को मिल रहा है, एक तो वो हैंडरेस्ट के पास थोड़ा सा एक नॉइज़ है, थोड़ी बम्पी रोड होती है तो वो मेरे को एक फील होता है। इनफैक्ट अगर आपका पैर ये घुटने वाला जो एरिया है अगर यहाँ पे आप हल्का सा दबाएंगे लेफ्ट साइड में हल्का सा प्रेस करोगे आप तो वो नॉइज़ कम हो जाएगा, वो नॉइज़ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर इसी का कुछ इशू है। हैंड ब्रेक से लेके वो पूरा जो कैबिन है उसका कोई इसमें से कुछ इशू है, वो आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मैंने कई बार सर्विस सेंटर में भी दिखाया बट वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाया वो उस चीज़ को। मुझे कुछ वर्टस यूज़र भी शायद ये चीज़ ये किए थे
कि उनको भी सेम इशू फेस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि और कहीं से आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोले नहीं हैंड ब्रेक अगर पकड़ लेते हैं तो फिर वो नॉइज नहीं। वायरलेस चार्जिंग हो गया, जो एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल एयरप्ले, इन सब चीजों में कोई छोटे मोटे इश्यूज फेस होते हैं आपको? नहीं, टच वुड अभी तक कुछ भी ऐसा इशू नहीं। वायरलेस चार्जिंग सही चल रही है, काम करता है बिल्कुल। अच्छा, फिर तो वायरलेस चार्जिंग भी मेरा बहुत बढ़िया काम करता है। सारे चीज सही चल रही है। ये सब मेरा पता नहीं सही है, ये विन नंबर लकी होगा शायद। सर जैसे आपका हाईलाइन में ये हेडलैम्प जो है वो आपका हैलोजन टाइप का है, तो आपको हाईवे में कोई प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली पहले तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बट मैं दिन लास्ट 15-20 डेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइट कम हो गई है, क्या हुआ है आई डोंट नो। क्योंकि पहले तो इनफैक्ट ये कंडीशंस थी कि अगर मैं डिपर ना दे, मेरी स्ट्रेट लाइट है और कोई आगे से आ रहा है तो वो मेरे से डिपर मांगता रहता था। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम हो गया, या फिर हो सकता है ये व्हाट्सएप और फेसबुक में पढ़ पढ़ के खुद को हो जाता है कि हाँ मेरी लाइट कम हो गई है। बट ऐसा जो ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। मेरे इन लॉज कांगड़ा में रहते हैं तो मैं उधर भी ड्राइव करता हूँ, तो मैं ऐसा कोई इश्यूज मेरे को नहीं लगा। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है आपका, दो अलग अलग दिए ये हेड और डिफर के लिए। हाँ, अलग अलग हमारा इसमें एलईडी वाले में क्या दिया है, ये सिंगल ये वाला डमी है दिया है। काफी लोग तो कंफ्यूज है मेरा ये वाला लाइट जल क्यों नहीं रहा। वो डमी है एक उसमें। तो बेसिकली आज की डेट में अगर आपको दोबारा कोई कार लेनी पड़े आपके जो जैसे 15-20 लाख के बीच में, तो आप अभी कौन सा कार चूज करेंगे? यही फॉक्सवैगन टाइगन पे जाएंगे या फिर? हाँ, इस बजट लाइन में तो मैं इसको और वर्टुस दो ही कार कंपेयर करूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो या सलाविया हो सकता है, क्योंकि सलाविया भी अच्छी लगती है, इट्स अ सेक्सी कार, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली ये दो मतलब तीन सेगमेंट में ही रहेंगे। हाँ, मेरा आगे का भी फिक्स है कि मैं इसी में जाऊँगा। तो ये था फॉक्सवैगन टाइगन की 1.0 टॉर्क कन्वर्टर या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली जो कार है उसकी ओनरशिप रिव्यू, वो भी 26,000 किलोमीटर्स ड्राइव की। तो आपको अगर इस टाइप का और रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन है उसमें ऑल ऑप्शन को चूज कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।